लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 2 दिवसावर आला असून जवळजवळ सगळ्याच एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. 23 तारखेच्या निकालाची जय्यत तयारी सध्या मुंबई भाजप कार्यकर्ते करीत आहेत. मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये 23 तारखेचा निकाल लागताच लाडू आणि मिठाई वाटली जाणार आहे. मिठाई बनवण्याची तयारी मोठ्या प्रमाणात कारखान्यात सुरू आहे. यावेळी या मिठाईमध्ये मुख्य आकर्षण हे कमल पेढ्याचे आहे. कमळासारखा आकार असलेली ही मिठाई विशेष पद्धतीने 23 तारखेला वाटण्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. ओनेक्स मिठाईच्या कारखान्यातून हे विशेष पेढे आणि मिठाई बनवण्यात येत आहे. इस पेड़े के आविष्कार में हमने बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है और हनी मधु का आविष्कार इसमें किया है और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ तो एक त्रिवेणी संगम है समझिए कि इस आविष्कार में. और ये प्रेरणा सारी हमको नरेंद्र भाई मोदी के यहाँ से मिली कि कुछ करना है तो नया करना है, हटके करना है. और इसीलिए ये पेड़ा जो मधु के साथ काजू बादाम के साथ बनाया गया. किस तरह से अभी उसको रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा. लोग जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी चख रहे हैं, वो इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि ये आविष्कार हमको भी होना चाहिए सर, मतलब हमको भी टेस्ट करना है. इसे भाजपा के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे और कल जो एग्जिट पोल आया 19 तारीख को, उस एग्जिट पोल के माध्यम से और हमारा कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है और देश की जनता का जो विश्वास नरेंद्र भाई पर है कि इस देश को अगर विकास की ओर लेके जाना है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी लेके जाएंगे, तो मुझे एज ए कार्यकर्ता, ये महाराष्ट्र का आप परिस्थिति देखेंगे तो देवेंद्र जी हमारे जो सीएम है, हमारे प्रकाश भाई मेहता है जो मंत्री है, अब शिवसेना के प्रमुख श्रीमान उद्धव ठाकरे साहब है, रामदास आठवले जी है, इन्होंने जो पूरा महाराष्ट्र में घूमकर जो एक विकास का एक दौर दिया है और नरेंद्र भाई का जो नेतृत्व था उस नेतृत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विश्वास है कि एनडीए को 350 सीट आएगी. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस दुकान में अभी खड़े हैं उस दुकान के ओनर के पास, मालिक के पास जब भी हम आए तो उन्होंने हमको बताया कि आज की जो परिस्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पेड़ा बनाना चाहिए, तो उन्होंने ये पेड़े को कमल पेड़ा के रूप में नाम दिया है. पिछले 8 दिनों से उन्होंने एक नया कमल पेड़े नाम का पेड़ा बनाया है और हम कार्यकर्ता आपस में उत्साह 23 तारीख को एक दूसरे का मुंह मीठा कर हिंदुस्तान को एक और विकासशील लेने जाने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प है उस संकल्प को हम पूरा करेंगे. धन्यवाद. मोदी मोदी.